आज शाम को चांद दिखने के बाद करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार में मेहंदी लगवाने पहुंची हैं और जमकर खरीदारी भी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन महिला पूरी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार करती है। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। वहीं करवा चौथ के दिन महिलाओं के दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है। उसके बाद सभी महिलाएं एकजुट होकर करवा चौथ कथा सुनते हैं, इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं और चांद दिखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। पूरे साल हम वेट करते हैं इस दिन का कि करवा चौथ आएगा, हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे और जी खोल के शॉपिंग करते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सब करवा चौथ व्रत रखते हैं, तो जैसे परंपरा चली आ रही है वैसे हम भी अपने करवा चौथ व्रत इसीलिए रखते हैं। मेरा 11th क्या होता है जो आप लोग आज सबसे समझते हो और खास तौर पे क्या रहता है आज? करवा चौथ एक पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न बहू अपना पूरा त्यौहार मनाएं, पूरा सजे धजे सास ससुर के साथ अपना परिवार के साथ मनाएं। पति की आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए जीवन भर बिल्कुल साथ रहे हम लोग, इस चीज़ के लिए मनाया जाता है। किस तरह से स्टार्ट होता है कलकत्ता? ये सुबह सर्गी खानी होती है। सुबह मतलब जब मॉर्निंग होने से पहले पहले आपको सर्गी खानी है, उसके बाद निर्जला उपवास रखें। शाम को आप 4-5 बजे का कथा सुनते हैं, उसके बाद आप फल वगैरह ले सकते हैं। वैसे निर्जला उपवास तो हम निर्जला ही रखते हैं, चांद के बाद ही हम फास्ट खोलते हैं। करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। हम हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि हम निर्जल व्रत रखते हैं तो उनकी लंबी उम्र होती है, जैसे कि कथाओं में भी कहा जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे सब लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो ये हमारा त्यौहार है। तो यही है कि सबके हस्बैंड की लंबी उम्र रहे, हमारी भी रहे। मुझे लगता है 1-2 दीपावली से ज़्यादा जो हम लोग तैयारी करते हैं वो आज के त्यौहार की करते हैं। तो श्रृंगार हम जो सब कुछ खरीदना है सब यही है। अभी आप मार्केट आए हो, किस तरह की शॉपिंग आप लोग करोगे? शॉपिंग तो वही ज्वेलरी रहती है, लिपस्टिक, बिंदी। अब 16 श्रृंगार आपने बोल दिए तो 16 से 32 हो सकते हैं, पर उससे कम नहीं होते हैं।